हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईआर डॉट मास्टर। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हमारे परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स गलत तरह से यहाँ पर उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो गाइज, कई तरह के यूज़र्स तो ऐसे हैं जो गलत ही थिंकिंग लेकर बैठे हैं वन प्लस नोट 2 के लिए या फिर आप एंड्रॉयड 13 के लिए। तो गाइज, ये सब सिनेरियो हो क्या रहा है वो मैं आपको बारीकी से सब कुछ समझाने वाला हूँ। क्यों आप तक अपडेट नहीं पहुँच रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपके लिए ला देता हूँ। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा, उनके बिहाफ पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि गाइज ओरली तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ। हर वीडियोज में आपने देखा होगा मेरे पास कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उसी के बिहाफ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज, आज भी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, तो मैं साइड में आपको पॉइंट्स लगाऊंगा और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कि वन प्लस नोट 2 का जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा वन प्लस के कम्युनिटी पर या वन प्लस की साइट्स पर। तो गाइज, वहां पर हमें देखने को मिला था कि हम अपने एप्लीकेशंस को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बात कर रहा हूँ बिल्ड वर्जन app.22 का, जो एंड्रॉयड 13 का जो अपडेट आया था उसकी रिगार्डिंग। तो गाइज, यहाँ पर वन प्लस की टीम ने मुझे मतलब आप लोगों को, सब लोगों को यहाँ पर ओपनली शेयर किया था वो पोस्ट, और वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि फॉर बीटा यूजर वी विल रोल आउट अ स्टेबल बिल्ड टू ऑल बीटा यूजर्स OTA, सो यू डोंट हैव टू मूव टू स्टेबल ऐप। तो मतलब उन्होंने बोला था कि आपको जो भी बीटा यूजर्स है उनको एक OTA अपडेट आएगा और उसके बिहाफ पे आपको स्टेबल रोल आउट कर दिया जाएगा। तो कई वो ऐसा हुआ भी, आपने देखा होगा फर्स्ट फेज में आपको देखने को मिला और 1 GB के समथिंग आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिला एंड्रॉयड 13 का app.22 का। लेकिन कहीं यहाँ पर लिखा है फॉर यूजर्स हु आर ईगर टू ट्राई ऑक्सीजन OS 13 आउट एंड डोंट वेट टू द OTA। अगर आप लोग वेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप वन प्लस नोट 2 के यूजर्स हों और इंडिया रीजन्स के होना चाहिए, आपके पास C.13 या C.12 या C.14 का OTA अपडेट होना चाहिए। देन उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, अबाउट डिवाइस के अंदर, उसके बाद बीटा प्रोग्राम के अंदर, एंड जो भी अबाउट डिवाइस के अंदर जो ट्रायल वर्जन आ रहा है उसको वहाँ पर अप्लाई करके डाउनलोड नाउ कर लेना है। तो गाइज, ये उन्होंने ये जो स्टेप्स बता रहा हूँ ये आपको सब लिखी हुई है पोस्ट में, और कम्युनिटी पर ये पोस्ट भी अवेलेबल है, जाकर देख लेना बिंके का, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा हाउ टू अपग्रेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये उन्होंने लिखा था और लिखा है स्पेशली लिखा है द एप्लीकेशन विल बी पास्ड एडवांस, नो नीड टू वेट। ठीक है, आप लोग अगर वेट करना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद लिखा है उन्होंने एल्स कंडीशन के अंदर फॉर एवरीवन, सभी यूजर्स के लिए लिखा है यू कैन सिंपली वेट। समझना मेरी बात को, उन्होंने क्या लिखा, यू कैन सिंपली वेट फॉर द स्टेज रोल आउट टू प्रोग्रेस एंड रीच योर डिवाइस, नो एडिशनल स्टेप्स आर नीडेड। क्लियर मतलब मेंशन किया है यहाँ पर वन प्लस की टीम ने कि भाई आपको सिंपली वेट करना है, आपको इससे ज़्यादा कोई भी स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है। आपके मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड 13 का app.22 का जो अपडेट है वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा आपके अबाउट डिवाइस के अंदर। लेकिन गाइस, यहाँ पर कई सारे यूजर्स जो, मैं आपको इस पॉइंट का मतलब क्या है ये मैं बता दूँ आपको, इस पॉइंट को समझाने का मतलब ये है कि उन्होंने ऑलरेडी जब रोल आउट किया था तब वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि OTA अपडेट के थ्रू बीटा यूजर्स को मिलेगा। अगर आप लोगों को वेट नहीं करना है, आपको जल्दबाजी है, तो गाइज आप लोग जा सकते हैं ट्रायल वर्जन के साथ और उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा सिंपली वेट कीजिए, आपको कोई भी स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर अपडेट मिलेगा। लेकिन गाइज, यहाँ हो क्या है, यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे सपोज मेरे पास अपडेट आ गया, ठीक है, तो सामने वाला यूजर कह रहा है कि आपके पास आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, इसका रीजन क्या है। तो भाई, पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया है कि phase 1, phase 2, phase 3 इसके अकॉर्डिंग हमें वन प्लस के जो तरीका है अपडेट का वो इसी तरह से हमें मिलता है और अभी तक मिलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ गतिविधियां हमें देखने को मिल जाती हैं अपडेट के अंदर। जैसे एंड्रॉयड 12 आया तो एंड्रॉयड 12 के अंदर कई सारे इश्यूज निकल कर आए, वैसे ही यहाँ पर एंड्रॉयड 13 निकल कर आया तो उसमें भी कई तरह के मल्टीपल टाइप के इश्यूज आपको देखने को मिले। गाइस, अभी एक इश्यूज तो मैंने आपको स्क्रीन पर लगा रखा है, जब आप नोटिफिकेशन पैनल को आप डाउन करते हैं बॉटम की साइड, तो आपको एक कैमरे का आइकन देखने को मिलता है जो कि एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर सो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के छोटे मोटे जो इश्यूज हैं, बग्स हैं, कैमरे का एक मेजर इशूज
इश्यूज है, तो इस तरह की इश्यूज अभी एंड्रॉइड 13 के अंदर है। तो गाइज यहाँ पर जो अपडेट है उसको स्टॉप कर दिया गया है। स्टॉप का इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपडेट नहीं आएगा, लेकिन गाइज आपको पेशेंस रखना है। आपके अपडेट के बिना आपका जो भी दिनचर्या है आपके काम की वो तो नहीं रुक रही ना। मैं एक यूट्यूबर हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, आप तो एक नॉर्मल क्रिएटर होंगे, यूट्यूबर भी हैं ठीक है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं मोबाइल के, तो आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जब मैं एक क्रिएटर होके जब पेशेंस रख सकता हूँ, सब चीज़ें समझ सकता हूँ ठीक है, कैमरा इतना बर्बाद होने के बाद भी मैं उस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ, मैं तो नहीं फालतू की कमेंट या फालतू की सोच तो नहीं रख रहा हूँ ना, मैं उसको अंडरस्टैंडिंग करके सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। फिर भी गाइज आप लोग नहीं समझ रहे, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि प्लीज़ पेशेंस 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 टेक पेशेंस, और हर एक कमेंट में मैं ये लिख रहा हूँ कि प्लीज़ पेशेंस रखिए, डोंट वरी, आपको अपडेट आएगा एंड्रॉइड 13 का। थोड़ा सा गतिविधियाँ ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से अपडेट डिले हो रहा है, लेकिन गाइज कोई भी समझने को तैयार नहीं है ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ बताई थी, कई लोगों ने इसके ऊपर जितने भी हेटर्स हैं, मैं आपको बता दूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ, आप लोगों को पता होगा, जितने भी हेटर्स हैं उन लोगों को वो वीडियोज़ पसंद नहीं आई ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि आपको सिर्फ एक तरीके को फॉलो करना है, और उस तरीके को फॉलो करने के बाद आपको अपडेट मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, और गाइज इसमें कई सारे ऐसे कमेंट भरे पड़े हैं, और आज ही एक भाई का कमेंट आया था, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताऊं मैं इस चीज़ को। उन्होंने लिखा है, भाई थैंक्स यार, मैंने आज ही किया और मुझे अपडेट OS 13 का मिल गया, थैंक्स ब्रो। तो गाइज जो ट्रिक जो टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ किसी भी सिनेरियो में, चाहे फिर वो अपडेट को लेकर हो या फिर किसी एप्लीकेशन को लेकर हो, तो गाइज वो कहीं ना कहीं आपके वर्क आने वाली है, यूज़ आने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तभी मैंने आपको शेयर की है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए, किसी के दूसरे के बहकावे में आके आप लोगों को ये फॉलो नहीं करना है कि आप उसका वो जैसा कर रहा है वैसा आप कर रहे हैं, आपको अपना बेस्ट करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और आने वाले नए जो भी अपडेट्स हैं उनको उनके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपके पास आएगा 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 110% आएगा, प्लीज़ पेशेंस रखिए, और आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आपको कोई भी बग या कोई भी इशू निकल कर आता है, आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करने का तरीका भी मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है, तो प्लीज़ वी अवेयर ठीक है, और थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आपको 100% यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो का मोटिव बस ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कराना था, जो कंडीशंस यहाँ पर बिगड़ रही थी वन प्लस की यूज़र्स की, उन कंडीशंस को मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप तक मैं पहुंचाऊं और आपको थोड़ा सा अवेयर कराऊं। तो दोस्तों मिलता हूं बहुत जल्द ऐसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।